हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लंबे छक्के कैसे मार सकते हैं। सो गाइस, हम वीडियो में ज्यादा बकवास ना ऐड करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपकी हेड पोजीशन। सो गाइस, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस, ये अपने स्टांस में खड़े हो आप। सो गाइस, इमेजिन करो, मैं इमेजिन करता हूँ यहाँ से बॉल आ रही है। सो गाइस, मैंने लंबा पैर नहीं निकालना, बहुत बिल्कुल छोटे पैर से बॉल की तरफ जाना है, अपना हेड लेके जाना बॉल की तरफ। ज़्यादा हेड रखोगे तो बॉल ग्राउंडेड जाएगी, तो ध्यान रखना थोड़ा हेड मतलब बॉल की लाइन में रखें, ज़्यादा आगे मत रखें। सो गाइस, उसके बाद हमने करना ये है कि बॉल जैसे भी मैंने बॉल का देख लिया, बॉल ओवर पिक्चर, यहाँ पे टप्पा खा रही है। सो गाइस, अभी मैं क्या करूँगा, मेरा बैट है वो बैक लिफ्ट है ना जो, वो हाई हो जाएगी अपने आप, और बॉल मैंने देख ली। सो गाइस, मेरा हेड बिल्कुल बॉल की लाइन में गया, और यहीं से जब यहाँ पे बैट के साथ इंपैक्ट होगा ना बॉल का, उसी के साथ मेरा हेड ऊपर को जाएगा, इसमें शॉट में पावर आएगी, और अगर मिडल होती है तो छक्का ही जाएगा, चौका जाने का कोई चांस नहीं। अगर मैं अपना हेड नीचे रखूँगा तो मेरा शॉट हमेशा ग्राउंडेड जाएगा। सो गाइस, इसलिए कोशिश करनी है कि आपको स्ट्रोक के साथ, अगर स्ट्रोक आप मारो स्ट्रोक के साथ, आपका हेड ऊपर जाना चाहिए। ऐसे मेरा स्ट्रोक के साथ हेड ऊपर गया तो इसका मतलब कि छक्का हो जाएगा अगर कनेक्ट होती है बॉल। सो गाइस, सेकंड टिप आपको ध्यान में रखनी है, आपकी जो बैक लिफ्ट है ना वो ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो गाइस, इसमें आपको टाइम लगेगा, आप बैक लिफ्ट ऊपर लेके जाओगे फिर शॉट मारोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो गाइस, आपकी बैक लिफ्ट होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। वैसे अगर आप सिक्स मारेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं मैच में, अगर सिक्स मार रहे हैं तो गाइस आपकी बैक लिफ्ट यहाँ पे होनी चाहिए, करीब ऐसे आपकी, ना तो ऐसे होनी चाहिए ना तो ऐसे, करीब ऐसे होनी चाहिए बैक लिफ्ट, ताकि स्ट्रोक में पावर आए और ये छक्का भी जा पाए। सो गाइस, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि लंबे छक्के कैसे मारते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चित दा ही जश्न मनाउंदा वेखिया, कौन किन्नी वारी किथे हारे वेख दे, रातां दीआं मेहनतां नहीं कोई वेखदा, मेहनत कीती होई तां सारे वेख दे, रातां दीआं मेहनतां। सो गाइस, जब भी आप छक्के मारते हैं तो गाइस आपका जो बैट है ना वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ग्राउंड की तरफ बॉल लग के नीचे चाहिए। तो गाइस, आपको अपना बैट बॉटम हैंड है जो वो टाइट रखना होगा, और ऊपर वाला हैंड ये भी टाइट रखना होगा। सो गाइस, जैसा कि आपको बेसिक में सिखाया जाता है, ये हाथ टाइट रखना है, ये लूज रखना है। तो गाइस, इससे जब भी आप छक्के मारते हैं तो गाइस बॉटम हैंड आपको टाइट रखना पड़ेगा, तभी आपका छक्का क्लियर होगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करो, कमेंट मारो और शेयर करो।